फॉर बैलेंसिंग ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन या किसी भी रिएक्शन को अगर बैलेंस होना है तो बैलेंस होने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस सेटिस्फाई होने चाहिए टू क्राइटेरिया मस्ट बी सैटिस्फाइड फॉर अस्ड रिएक्शन पहला क्राइटेरिया है एटम बैलेंस एटम बैलेंस और इसे आप मास बैलेंस भी कह सकते हैं एटम बैलेंस और मास बैलेंस तो एटम बैलेंस का मतलब यह है दैट रिएक्शन की दोनों तरफ जैसे एक रिएक्शन है लेट uh, से C प्लस ओ टू गिविंग सी तो इस रिएक्शन में कार्बन के एटम जो रिएक्टेंट साइड में है उतने ही प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए इस इक्वेशन में ऑक्सीजन के एटम जितने रिएक्टेंट साइड में है उतने ही प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा एटम्स हर एलिमेंट के बैलेंस्ड है एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर बैलेंस तो कार्बन के लिए देखा वन वन ऑक्सीजन के लिए देखा टू टू सो दिस रिएक्शन इज एटम बैलेंस्ड सो लिख लेंगे आप चाहें तो यहां पे देर शुड बी द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड देयर शुड बी सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड ऑफ रिएक्टेंट ईच काइंड ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो सेटिस्फाई होना चाहिए चार्ज बैलेंस चार्ज बैलेंस चार्ज बैलेंस का ये मतलब है कि रिएक्टेंट साइड में जो टोटल चार्ज है रिएक्टेंट साइड में जो टोटल चार्ज है वो होना चाहिए टोटल चार्ज ऑन द प्रोडक्ट साइड यानि के सम ऑफ एक्चुअल चार्ज ऑन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू सम ऑफ एक्चुअल चार्ज ऑन प्रोडक्ट साइड इसका मतलब रिएक्टेंट साइड का टोटल जितने रिएक्टेंट है उन सबके चार्जेस को ऐड कर दीजिए और प्रोडक्ट साइड में जितने कुछ है सबके चार्जेस को ऐड कर दीजिए तो रिएक्टेंट साइड का टोटल चार्ज प्रोडक्ट साइड के टोटल चार्ज के बराबर अगर है तो हम कहेंगे कि रिएक्शन चार्ज बैलेंस है तो अगर किसी रिएक्शन को बैलेंस होना है तो उसको एटम बैलेंस भी होना होगा और चार्ज बैलेंस भी होना होगा दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए सिर्फ एटम बैलेंस अगर है चार्ज बैलेंस नहीं है तो काम नहीं चलेगा अगर सिर्फ चार्ज बैलेंस है एटम बैलेंस नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए तब जाके रिएक्शन बैलेंस होगा अब रिएक्शन को बैलेंस करने के दो मेथड्स होते हैं हम आएंगे पहले मेथड पे हेडिंग लगाएंगे ओके पहला मेथड जो बैलेंस करने का है दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं इसके ऊपर मेथड टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन तो दो तरीके थे एक था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा हम देखेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड दो मेथड होते हैं बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में स्टेप बाय स्टेप हम देखें अगर तो सबसे पहला स्टेप है स्टेप वन राइट द करेक्ट फॉर्मूला

एन ए टू एस ओ थ्री से और इस रिएक्शन से हमें मिल रहा है क्रोमियम प्लस थ्री आयन और साथ में मिल रहा है सल्फेट आयन ये रिएक्शन में दिया हुआ है अच्छा प्रोडक्ट में पूरा नहीं दिया सी आर प्लस थ्री सिर्फ दे दिया है अगर आप पूरा चाहते हो तो सी आर सी आर प्लस थ्री और इसके साथ सल्फेट जोड़ सकते हो अब ये रिएक्शन दिया है तो पहले तो आपने करेक्ट फॉर्मूला लिखा रिएक्शन का इसके बाद आएंगे हम स्टेप टू पे या इसको अब इस तरीके से बैलेंस आप नहीं कर सकते आपको उनको निकालना होगा जो ऑक्सीडेशन नंबर जिनका चेंज नहीं हो रहा है तो हम पहले जरा चेक कर लेते हैं पोटेशियम का प्लस वन था ऑक्सीजन का माइनस टू था तो क्रोमियम के ऊपर हो जाएगा प्लस सिक्स सोडियम पे प्लस वन ऑक्सीजन पे माइनस टू है और सल्फर पे है प्लस फोर क्रोमियम पे यहां प्लस थ्री हो गया एसओ फोर टू माइनस में ऑक्सीजन पे माइनस टू लेंगे तो सल्फर पे आ जाएगा प्लस सिक्स यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ क्रोमियम को देखूंगा आपको पूरे आयन को देखना होगा के टू सी आर टू ओ सेवन जो है वो अगर एक्वस मीडियम में सब कुछ एक्वस में यानी पानी में हो रहा है ये रिएक्शन तो अगर ये रिएक्शन दे रखी है तो इसमें स्पेक्टेटर आयन जो है वो पोटेशियम है जिसका प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सी आर टू ओ सेवन जो है एक पूरा का पूरा आयन है तो आप उसको अलग कर लो उस आयन को अलग कर लो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है तो मैंने सीआर टू ओ सेवन टू माइनस निकाल दिया एन ए टू थ्री में हम देखते हैं एन ए को अगर हटा दें, तो बन जाएगा हमारे पास आयन एसओ थ्री टू माइनस देन इधर क्रोमियम प्लस थ्री एन एसओ फोर टू माइनस तो सबसे पहले आपने एक्चुअल रिएक्शन से उन आयन्स को निकालना है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदल रहा उनको आपको रिमूव कर देना है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है सिर्फ उनको ही अभी आपको देखना है और लास्ट स्टेप में हम वापस इन आयंस को जैसे पोटेशियम है सोडियम है उनको स्टेप में वापस जोड़ सकते फिलहाल बैलेंस करने के लिए उनको आपको इग्नोर कर देना है ठीक है तो यह हुआ करेक्ट फॉर्मूला आयनिक फॉर्म में मैंने लिख दिया उन आयंस के लिए जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है अब ये हुआ स्टेप वन इंपॉर्टेंट स्टेप है ये यहां पे गड़बड़ नहीं करना है हमको आयनिक फॉर्म पहचानना आना चाहिए लेकिन उसके लिए देन स्टेप टू पे आए स्टेप टू में आप उन एटम्स को पहचाने जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है सो आइडेंटिफाई एटम्स which undergo change चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सो हमने पहले ही पहचान लिया था इनको फिर से मैं लिख देता हूं तो रिएक्शन था मेरे पास सी आर टू ओ सेवन प्लस एस ओ गिविंग क्रोमियम प्लस थ्री एंड एसओ फोर टू माइनस इसके अंदर में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है प्लस प्लस सिक्स से थ्री इन इन डिक्रीज़ ऑक्सीडेशन नंबर यानी इसका हो रहा है रिडक्शन एसओ थ्री टू माइनस से गया एसओ फोर टू माइनस में प्लस फोर से प्लस सिक्स में गया सल्फर यहाँ पे इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट मीनस दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन देन अब इसके बाद स्टेप थ्री पे आएंगे हमने पहचान लिया उन एटम्स को जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है नोट करिए अब जिन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है उनमें आपको देखना होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना बदल रहा है हाउ मच इज द चेंज उसके लिए आप लिखेंगे स्टेप थ्री तो स्टेप थ्री में कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर ऐटम एंड फॉर एंटायर मॉलिक्यूल और आयन पर ऐटम और पर मॉलिक्यूल के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा इन विच इट ऑकर्स न ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया इंक्रीज एंड डिक्रीज को इफ द इनक्रीज इन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आर नॉट इक्वल Then multiply by suitable coefficient so that these become equal. ओके सो इंक्रीज कितने का हुआ और डिक्रीज कितने का हुआ यह पता करना होगा अब हमें सो so, जैसे हमारे पास रिएक्शन था सी आर टू ओ सेवन टू माइनस और इसके साथ रिएक्ट कराया एस ओ थ्री टू माइनस टू गिव क्रोमियम प्लस थ्री एंड एस ओ फोर टू माइनस अब इसमें देखिए क्रोमियम जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट था प्लस सिक्स और क्रोमियम प्लस थ्री तो चेंज कितने का हुआ प्लस सिक्स से प्लस थ्री तो चेंज इन ऐसे लिख लीजिएगा चेंज इन ऑक्सीडेशन एटम पर एटम ऑफ क्रोमियम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम ऑफ क्रोमियम प्लस सिक्स से प्लस थ्री यानी क्या तीन का चेंज है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल या यहां पे आयन है तो अगर सी आर टू ओ सेवन टू माइनस से क्रोमियम प्लस थ्री तो प्लस सिक्स से देखिए प्लस थ्री गया बट यहां दो क्रोमियम है एक मॉलिक्यूल में तो एक में तीन का चेंज है तो पर मॉलिक्यूल में दो क्रोमियम पे तो टू इंटू थ्री दैट इज सिक्स एसओ थ्री टू माइनस वाले में देखें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट था प्लस फोर और प्लस फोर से गया प्लस सिक्स तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम पर एटम था दो पर मॉलिक्यूल अगर आप देखोगे तो एक मॉलिक्यूल में एक ही सल्फर है तो पर मॉलिक्यूल भी टू ही होगा तो मैंने इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया अब पर मॉलिक्यूल के हिसाब से देखें तो यहां सिक्स है और यहाँ टू है ये दोनों बराबर तो है नहीं तो बराबर कैसे किया जाए बराबर करने के लिए आप जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कम है उस साइड पे आप एक नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे अगर इधर सिक्स है और इधर टू है तो मेरे को इस टू वाले को अगर सिक्स करना है तो मेरे को रिएक्शन इस एसओ थ्री टू माइनस को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा से या थ्री से टू है मेरे को थ्री और मल्टीप्लाई करना है थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके सिक्स होगा ये तो मैं यहां पे अगर थ्री से मल्टीप्लाई कर दू तो एक सल्फर पे दो का चेंज है तो तीन सल्फर हो जाएगा थ्री हो जाएगा तो सिक्स हो जाएगा ये समझ पा रहे हो तो मैंने यहां पे थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया अब जब आपने रिएक्टेंट के साइड में तीन सल्फर कर दिया है तो आपको प्रोडक्ट के साइड में भी तीन सल्फर करना पड़ेगा और सीआर टू ओ सेवन टू माइनस में दो क्रोमियम था इधर सिर्फ एक ही क्रोमियम है तो यहां भी टू मल्टीप्लाई कर देते हैं हम ओके तो यहां पे हमने क्रोमियम को देखिए बैलेंस कर लिया सल्फर को बैलेंस कर लिया और ऑक्सीडेशन नंबर से चार्ज को भी हमने एक तरीके से बैलेंस कर लिया है अब आएंगे हम स्टेप फोर पे स्टेप फोर स्टेप फोर बेसिकली होता है चार्ज बैलेंस के लिए सो so, लिखो एड एच प्लस आयन टू मेक चार्ज बैलेंस इफ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन एसिडिक मीडियम इन एसिडिक मीडियम अच्छा एसिडिक मीडियम तो हो गया न्यूट्रल मीडियम होता तो एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम अगर न्यूट्रल मीडियम है तो मान के चलेंगे अपन के वाटर मेरे पास मौजूद था और एच टू ओ से एच प्लस आ जाएगा सो एड एच प्लस टू मेक चार्ज बैलेंस इफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम ओके एच प्लस एड कर दिया आपने देन टू बैलेंस रिमेनिंग ऑक्सीजन एड और देन टू बैलेंस रिमेनिंग ऑक्सीजन क्योंकि आपने एच प्लस एड किया है तो उसके अपोजिट साइड में आपको एच प्लस बैलेंस करने के लिए देन टू बैलेंस रिमेनिंग हाइड्रोजन एड एच टू ओ ऑ ऑ ऑ ऑ ऑ ऑ ऑन अपोजिट साइड ऑफ एच प्लस Now, ऐसा करने पे ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाना चाहिए जब आप H+ एक तरफ लगाएंगे चार्ज बैलेंस के लिए और उसकी अपोजिट साइड आप वॉटर ऐड करेंगे ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए तो आप ये पाएंगे कि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाना चाहिए अगर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ इतना करने के बाद तो आपने गलत किया है किसी ना किसी स्टेप में। अगर एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो हम देखते हैं दैट एड OH minus ion to make charge balance if the reaction is taking place in basic medium. Then to balance remaining hydrogen add H2O on opposite side. ऑफ ओ एच माइनस सो रिएक्शन हम देखें वापस से तो हमारे पास था सी आर टू ओ सेवन टू माइनस प्लस थ्री एसओ थ्री टू माइनस गिविंग टू सी आर प्लस थ्री एंड थ्री एसओ फोर टू माइनस अब इस रिएक्शन में हम जरा चार्ज बैलेंस करना चाहते हैं जरा देखिए सी आर टू ओ सेवन पे टू माइनस चार्ज है और एस ओ थ्री माइनस एस ओ थ्री पे टू माइनस है लेकिन टू माइनस और थ्री है यहाँ पे तो थ्री इंटू टू हो गया सिक्स और यहाँ से टू टोटल यहाँ पे हो गया माइनस एट प्रोडक्ट साइड में आओ क्रोमियम पे देखा आप प्लस थ्री इंटू टू प्लस सिक्स और एस ओ फोर टू माइनस देखिए माइनस टू और इंटू थ्री कितना हो जाएगा माइनस सिक्स दोनों को मिला के कितना हो गया जीरो यहां पे क्रोमियम प्लस यहां था माइनस टू और यहां था माइनस सिक्स दोनों को मिला के कितना हो गया माइनस एट तो एक तरफ माइनस एट चार्ज है एक तरफ जीरो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में चार्ज अलग अलग है तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हम H प्लस एड कर सकते थे या फिर ओ OH एच माइनस एड कर सकते थे अगर एच प्लस एड करना है तो क्या आप बता सकते हैं कि किस तरफ एच प्लस एड करना चाहिए सच दैट दोनों तरफ का चार्ज बैलेंस हो जाए बताओ किधर एच प्लस एड करना चाहिए सच दैट दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो जाए एक तरफ है माइनस एट एक तरफ है जीरो आपको बताना है रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड किस तरफ एच प्लस एड करें सच दैट चार्ज बैलेंस हो जाए तो क्लियरली समझ में आ रहा है माइनस एट है रिएक्टेंट साइड में अगर मैं H प्लस एड कर दू तो H पे प्लस चार्ज है तो प्लस और माइनस मिलके हो जाएंगे zero. तो अगर माइनस एट है तो मुझे कितना H प्लस एड करना चाहिए उसका भी मुझे यहां से आइडिया लग जा रहा है तो मैंने देखा सी आर टू ओ सेवन टू माइनस प्लस थ्री एस ओ थ्री टू माइनस प्लस एट एच प्लस एड करूंगा मैं ओके okay. जब मैं एट एच प्लस एड करूंगा तो इधर रिएक्टेंट साइड में टोटल चार्जेस जीरो हो जाएंगे और प्रोडक्ट साइड में भी जीरो हो जाएगा अब अब मुझे हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट साइड वाटर लगाना पड़ेगा तो एट एच प्लस था एट एच प्लस था तो यहाँ पे इसके अपोजिट साइड मुझे लगाना होगा फोर एच टू ओ ऐसा करने के बाद ऑक्सीजन बैलेंस हो जाना चाहिए चलो चेक करें हुआ है कि नहीं तो इधर है सेवन सेवन एंड थ्री एंड थ्री नाइन सिक्सटीन हो गया प्रोडक्ट साइड में देखा फोर इन टू थ्री ट्वेल्व और फोर ऑक्सीजन वाला वाटर से तो ये हो गया सिक्सटीन ऑक्सीजन देखिए बैलेंस हो गया ओके okay, अगर यही रिएक्शन एसिडिक मीडियम की जगह बेसिक मीडियम में हो रहा होता तो इधर माइनस एट है तो मुझे ओ एच माइनस एड करना पड़ता तो मैं इसके अपोजिट साइड ऐड कर देता एट ओ एच माइनस और फिर उस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट साइड में वॉटर ऐड कर देता तो खैर ये रिएक्शन तो बैलेंस हो गई समझ में आता है क्या क्या करना है स्टेप फिर से समराइज करो पहले आपको आयनिक फॉर्म में रिएक्शन को लिखना है फिर आपको हर एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है फिर आपको देखना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है फिर आपको देखना है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना है पर मॉलिक्यूल कितना है जिसमें डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है उसमें पर एटम डिक्रीज कितना हो रहा है पर मॉलिक्यूल डिक्रीज कितना हो रहा है ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को फिर आपको इक्वल कर देना है से मल्टीप्लाई करके रियक्ट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे अब कितना से मल्टीप्लाई करना है ये आपको खुद सोचना होगा कि क्या मल्टीप्लाई करें सच दैट यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल हो जाए जैसे ही आपने ये इक्वल कर दिया अब उसके बाद फिर चार्ज बैलेंस का नंबर आता है फिर चार्ज बैलेंस करने के लिए अगर एसिडिक मीडियम है तो H प्लस एड करना है पर उसके लिए आपको पहले चार्ज निकालना होगा रिएक्टेंट साइड में टोटल चार्ज कितना है प्रोडक्ट साइड में टोटल चार्ज कितना है दोनों को इक्वल करने के लिए आपने एच प्लस उसके अपोजिट साइड वाटर लगाओगे जितना एच प्लस है उसको हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट साइड में वाटर लगाएंगे ऐसा करने पे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाना चाहिए हो गया तो ठीक नहीं हुआ है तो हमने किसी स्टेप में गड़बड़ किया है फिर से एक बार देखेंगे अगर बेसिक मीडियम में है तो ओ एच माइनस एड करेंगे चार्ज बैलेंस करने के लिए जिधर ओ OH एच माइनस लगाया उसकी अपोजिट साइड में फिर वाटर लगा देंगे आप सच दैट ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए समझ में आता है ये पॉइंट तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम ट्राई करिए जो हमने अभी सीखा इसको कैसे यूज करना है हमें सो so, रिएक्शन दे रखा है इन बेसिक मीडियम वी हैव MnO4 फोर माइनस एक्वस प्लस बी माइनस एक्वस giving MnO2 solid plus BrO3 minus aqueous and we have to balance this reaction in basic medium balance this reaction in basic medium तो मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करके बता रहा हूं बेसिक मीडियम में कैसे करना है सबसे पहले लिखना था आयनिक फॉर्म में लिखा हुआ है अब मैंने देखा इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो मैंगनीज मैंगनीज पे एम एन ओ फोर माइनस में अगर आप देखेंगे तो मैंगनीज पे प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट है बी आर पे माइनस वन है एम एन ओ टू में ऑक्सीजन पे माइनस टू होगा तो मैंगनीज पे प्लस फोर होगा बी आर ओ थ्री माइनस में ब्रोमीन पे अगर आप निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा प्लस फाइव तो इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया हमने कितने से इंक्रीज और कितने से डिक्रीज हो रहा है ये भी चेक करना है तो मैंने लिखा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर डेल्टा फॉर चेंज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है सेवन से फोर यानी कि थ्री का चेंज है अच्छा ध्यान रखना एक का इंक्रीज होना चाहिए एक का डिक्रीज होना चाहिए दोनों का इंक्रीज दोनों का डिक्रीज हुआ मतलब कुछ गड़बड़ किया आपने बिकॉज रेडॉक्स रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन में एक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा और एक का ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो बी आर माइनस में देखिए माइनस वन से प्लस फाइव चेंज कितना आया आप ऐसे लिख सकते हो फाइनल फाइनल इनिशियल। तो प्लस फाइव माइनस इनिशियल कितना था माइनस वन चेंज कितने का हो गया प्लस सिक्स इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इसको इक्वल करना था तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे यहां ऑक्सीडेशन नंबर थ्री था यहाँ सिक्स था अगर इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी रिएक्शन को टू एम एन ओ फोर माइनस प्लस बी आर माइनस गिविंग एम एन ओ टू प्लस बी आर ओ थ्री माइनस तो इधर टू मल्टीप्लाई किया तो मैगनीज तो बराबर करेंगे तो दोनों तरफ कर दिया हमने ये हो गया एटम बैलेंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी सब बैलेंस हो गया अब बेसिक मीडियम में है तो जरा चार्ज देख लें हमने देखा एम एन ओ फोर पे माइनस वन था और ये दो थे तो माइनस वन इंटू टू माइनस टू पे था माइनस वन और टोटल हो गया कितना माइनस थ्री इधर देखो एम एन ओ टू न्यूट्रल था जीरो बी आर ओ थ्री पे माइनस वन है ठीक है माइनस वन है तो टोटल हो गया यहाँ पे माइनस वन अब एक तरफ माइनस थ्री है और एक तरफ माइनस वन है इनको बैलेंस करने के लिए क्योंकि ये बेसिक मीडियम में हो रहा है मुझे ओ एच माइनस एड करना है बताओ ओ एच माइनस किस तरफ एड करना पड़ेगा रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में सच दैट चार्ज बैलेंस हो जाए और कितना ओ OH एच माइनस एड करना पड़ेगा ओके okay. सो so, कितना ऐड करना पड़ेगा हमें ओ एच माइनस बताओ हमने देखा इधर माइनस थ्री था ओ एच माइनस माइनस वन चार्ज लेके आता है तो माइनस वन वाली साइड में अगर हम टू कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगा करके देख लो अगर आपको अभी भी शक है और आपको लगा कि ऐसा हो सकता है तो हमेशा हमको ड्रॉ करके देख लेना चाहिए क्या हम जो सोच रहे हैं वो सही है तो हमने लिखा इधर से बी माइनस तो उसकी अपोजिट साइड हमने टू ओ एच माइनस एड कर दिया अब जिधर टू ओ एच माइनस एड किया है उसकी अपोजिट साइड वाटर एड करना है तो दो हाइड्रोजन थे इधर, कितना वाटर एड होगा ऐसा कर दिया हमने टू ओ एच माइनस था तो दो हाइड्रोजन था तो एक वाटर अब ऐसा करने के बाद आप जरूर चेक करें हमेशा चेक करें ऑक्सीजन बराबर हुआ कि नहीं तो फोर इंटू टू और इधर से एक तो फोर इंटू टू एट और एट एंड वन नाइन इधर देखा टू और टू फोर फोर और थ्री सेवन और टू नाइन हो गया अगर तो रिएक्शन आपका बैलेंस हो चुका है राइट right? जितना ओ एच माइनस है देखिए उसका हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आपको उसके अपोजिट साइड वाटर लगाना होगा एक और रिएक्शन ट्राई करेंगे नोट करो So MnO4 minus plus I minus equals giving MnO2 solid plus I2 solid, and this reaction is taking place in basic medium. सो so, मैंने यहाँ पे स्पेक्टेटर आयंस आपको नहीं दिए आप सिर्फ आयंस बैलेंस करो स्पेक्टेटर आयंस के बारे में बाद में बात करेंगे हम फिलहाल आप पहले तो चार्ज पहले तो आप आयनिक फॉर्म बैलेंस करना सीखें उसके बाद फिर हम स्पेक्टेटर आयंस को बैलेंस करने की बात आखिरी में कैसे लगाना है वो बाद में भी कर सकते हैं हम लोग पहले ये बैलेंसिंग सीख लेते हैं बैलेंस करिए रिएक्शन को मैं आयनिक फॉर्म में इसी वजह से दे, दे रहा हूं आपको और मैं बाकी आयंस को नहीं बता रहा हूं ताकि आप पहले बैलेंस सीखे आइनिक फॉर्म में देन उसके बाद फिर मैं स्पेक्टेटर आयंस को कैसे अलग करना है वो बताऊँगा हो गया भाई तो पहले रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिखना था वो पहले से लिखा हुआ है प्लस आई टू अब ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं एम एन ओ फोर माइनस में मैगनीस पे प्लस सेवन एम एन ओ टू पे मैगनीस पे प्लस फोर आयोडीन पे माइनस वन और आई टू पे हो गया जीरो आई माइनस में देखा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया माइनस वन से जीरो यानी कि वन अब यहां आप कह सकते हैं प्रोडक्ट में तो दो आयोडीन थे हाँ प्रोडक्ट में दो आयोडीन थे i2 के अंदर में बट मेरे को रिएक्टेंट का चेंज देखना है रिएक्टेंट जो है वो -1 से अगर कन्वर्ट हो रहा है i2 में तो यहाँ तो एक आयोडीन है तो -1 से 0 यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 का हो गया अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल को बैलेंस करना है अपने को बराबर करना है तो 3 और 1 तो क्या किया जाए सो एम एन ओ फोर माइनस प्लस आई माइनस गिविंग एम एन ओ टू प्लस आई टू थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो जब आप थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां आपको थ्री बाई टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओके नाउ यहां थ्री बाई टू है और यहां थ्री है आयोडीन देखिए बराबर है दोनों तरफ अब हमने ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज जो है वो इक्वल कर लिया आपको अगर ये थ्री बाई टू अच्छा नहीं लग रहा तो आप दोनों तरफ यानी कि पूरी रिएक्शन को थ्री से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कुछ टू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं थ्री से नहीं कुछ इस तरीके से तो ये हो जाएगा टू एम एन ओ फोर माइनस प्लस सिक्स आई माइनस ंग टू एम एन ओ टू प्लस थ्री आई टू ओके अब क्योंकि ये बेसिक मीडियम में है रिएक्शन तो बेसिक मीडियम है तो इस वजह से इसमें चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा हमें चार्ज बैलेंस करने के लिए देखिए रिएक्टेंट साइड में है माइनस वन इंटू टू माइनस टू और ये है माइनस सिक्स दूसरी तरफ है जीरो प्लस आई टू पे फिर जीरो तो इधर हो गया माइनस एट माइनस एट चार्ज हो गया रिएक्टेंट पे और प्रोडक्ट में जीरो है और बेसिक मीडियम में है तो बेसिक मीडियम में ओ एच माइनस एड करना होता है कर दीजिए एड टू एम एन ओ फोर माइनस प्लस सिक्स आई माइनस टू एम एन ओ टू प्लस थ्री आई टू तो माइनस एट है इस तरफ अपोजिट साइड में हमको करना पड़ेगा एट ओ एच माइनस एट ओ एच माइनस है तो उसकी अपोजिट साइड हो जाएगा वाटर ऐड कितना फोर एच टू चेक करो ऑक्सीजन बैलेंस हुआ कि नहीं तो फोर इन टू टू एट एट एंड फोर ट्वेल्व तो फोर और एट ट्वेल्व हो गया ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में भी Balance Homework question FESO four plus KMNO four plus H two SO four giving Fe2SO4 thrice plus MnSO4 plus H2O ya fir,